आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का दौर टू, कार्बन नक्सलियों के लिए कानून के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम, कमलनाथ को भरोसा उनकी सरकार नहीं गिरेगी। कर्नाटक में आरएसएस और येदुरप्पा के बीच बातचीत, येदुरप्पा सरकार बनाने के लिए तैयार। एक तरफ शिवराज सिंह का बेटी बचाओ तो दूसरी तरफ सड़क पर सरेआम लड़की की पिटाई। और बारिश के लिए कहीं जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा तो कहीं गधे पर उल्टा बैठा दूल्हा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि अर्बन नक्सलियों के लिए कानून के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाए। लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन बिल पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से इस चर्चा के दौरान बिल का विरोध किया गया और कई तरह के सवाल खड़े किए गए। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है। एक लंबी बहस के बाद लोकसभा में ये बिल पास हो गया। मैं ये थ्योरी से सहमत नहीं हूं, कठोर से कठोर कानून की जरूरत इस देश को। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। मगर चूंकि ये बात श्रीमान मनीष तिवारी ने कही है, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये कानून कौन लेकर आया? ये कानून के अंदर तो मैं तो थोड़ा अमेंडमेंट लेकर आया हूं, दो तीन सुधार लेकर आया हूं। ये कानून लेकर कौन आया? ये कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने ऐड करी? ये कानून को कठोर कौन करता गया? आप जब हम यहां पर बैठे हैं, आप कहते हो कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। हम तो वहां पर भी बैठे थे, तब कहते थे कानून कठोर होने चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ। लोकसभा में अमित शाह ने कहा, यह कानून इंदिरा गांधी की सरकार लेकर आई थी, हम तो बस इसमें छोटा सा संशोधन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने इस बिल में संशोधन किया था वो भी सही था, और आज भी हम कर रहे हैं वो भी सही है। अर्बन नक्सलियों को लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में देश के लिए काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं उनके लिए हमारे दिल में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अब प्रदेश में भी सरकार गिराने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सदन में बैठे विधायक बिकाऊ नहीं है और इतिहास रचने के साथ सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। कमलनाथ ने कहा कि पहले भी फ्लोर टेस्ट हुआ है, चाहे तो आज भी करा लें। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने धमकी देते हुए कहा कि अगर 1 नंबर और 2 नंबर ऊपर से आदेश करेंगे तो 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार चलेगी तो चलेगी, नहीं तो गिर जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान राज्यवर्धन सिंह के राज्य शासन के निजी विमान एवं हेलीकॉप्टर किराए से लिए जाने में अनियमितता को लेकर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई और ना ही उनकी कंपनी ने किसी प्रदेश सरकार से निजी विमान पर कोई पैसा लिया है। कमलनाथ ने सदन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि सदन में बैठे विधायक बिकाऊ नहीं है, विपक्ष चाहे तो फ्लोर टेस्ट करा ले, मैदान में आना है तो मैं तैयार हूं। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा विमान के उपयोग पर खर्च मांगे जाने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और कहा, यह मुख्यमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होता है, जनहित के मुद्दे छोड़कर मुख्यमंत्री ने कितनी चाय कॉफी पी, कितनी निजी विमान का उपयोग किया, इसकी चर्चा सदन में नहीं की जाती। कमलनाथ ने कहा कि वो जब केंद्र में मंत्री थे तब भी उन्होंने प्रदेश के विकास के बारे में सोचा और विकास के लिए बजट दिया था। कमलनाथ ने कहा कि मैंने अपने व्यक्तिगत कार्य या किसी की
सिफारिश के लिए कभी किसी से नहीं कहा। निजी विमान और खर्च को लेकर मुझ पर सवाल उठाए गए। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व्यथित ना हो, जिस पद पर वो हैं उन पे आरोप लगते रहेंगे। 15 साल मैंने इन आरोपों को झेला है। शिवराज पर निजी विमान के खर्चे को लेकर लगभग 43 करोड़ का आरोप लगा है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इसकी जांच होगी। बातें कर ली और कमलनाथ जी ने कहा ये 5 साल नहीं, 10 साल चलेगी, आज ही टेस्ट कर लो, ये कहा कमलनाथ जी। तो आखिर नेता प्रतिपक्ष ये कहा है भार्गव जी ने कि भैया हम क्या ये कहें कि आपकी सरकार 100 साल चलेगी, हम तो ही कह सकते हैं, हम तो यही कहेंगे कि हम कल जाएगी। सर कमलनाथ जी ने हम तो यही कहेंगे कि कल चली जाएगी, पर हम ये नहीं कह सकते 100 साल चलेगी, मतलब उनका मानना है कि 100 साल चलेंगे। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया आज ही टेस्ट कर लो, आज ही टेस्ट कर लो, कितने विधायक किसके साथ हैं ये है, अब उन पे है, वो टेस्ट करते हैं कि नहीं, उठाना चाहिए उनको सर, किसी भी मामले में डिसीजन उठाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन में धमकी देते हुए कहा कि अगर 1 नंबर और 2 नंबर चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा देंगे। हालांकि भार्गव ने 1 नंबर और 2 नंबर कौन है पर कहा कि वक्त आने पर पता चल जाएगा, कमलनाथ के बोलने से फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाएगा। भार्गव ने कहा बीजेपी के नियमानुसार कांग्रेस को सरकार बना दिया, जब स्वार्थ के आधार पर सरकार बनती तो कभी भी गिर सकती है। मैंने ये कहा जिस तरह का दंभ, जिस तरह का अभिमान और अहंकार मुख्यमंत्री जी ने हाउस में दिखाया, तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा यह अभिमान यह अहंकार ठीक नहीं है। वास्तव में हमने अपनी सत्ता एक प्रकार से जिसके हम नैसर्गिक दावेदार थे, हमने दूसरे ही दिन बगैर फ्लोर टेस्ट के हम कह सकते थे गवर्नर साहबा से कि 15 दिन का इनको वक्त दुआ, 15 दिन में ये अपना बहुमत साबित करें, लेकिन ना बहुमत साबित करने की ना कोई बात, लेकिन मुख्यमंत्री पद एक प्रकार से हमने उन्हें बगैर किसी कंडीशन के उन्हें दिया। तो इस तरह की बात करना फ्लोर टेस्ट उसमें क्यों नहीं कहा उन्होंने फ्लोर टेस्ट का, क्या मैं ये कह दूँ कि सरकार 100 साल चलेगी, नहीं कह सकता। और ये बात भी सही है कि जितनी अस्थिर सरकार है, सिद्धांतविहीन सरकार जिसकी कोई वैचारिक एकता नहीं, जो इनको समर्थन दे रहे हैं क्या वो वैचारिक कारणों से दे रहे हैं, सिद्धांत कारणों से दे रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ के कारण से दे रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ जिस दिन उनके स्वार्थ पूरे नहीं होंगे 2 मिनट में सरकार छोड़ देंगे। वित्त मंत्री तरुण भानोट ने विपक्ष पर निशाना साधा और सवाल किए कि ये 1 नंबर और 2 नंबर कौन है, क्या ये सरकार गिराने के ठेकेदार हैं, ये कौन से लोग हैं जो अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। उसे पूछा नंबर वाला नंबर टू है कौन, ये नंबर वाला नंबर टू कौन है गोपाल जी से पूछ के बताइए, तो हम तो पूछ रहे बताया ही नहीं, तो ये नंबर वन और नंबर टू का क्या धंधा है सरकार गिराने का। नंबर वन और नंबर टू कहेंगे तो सरकार गिरा देंगे, तो क्या ये नंबर वन और नंबर टू कोई ऐसे 2 ठेकेदारों के नाम है जो सरकार गिराने का जिनने ठेका लिया हुआ हिंदुस्तान में, ये गोपाल जी ने बताया ही नहीं। मैंने तो उनसे पूछा सदन में कि नंबर वन और नंबर टू कौन है, अगर भाई ये नंबर वन और नंबर टू का पता हमें चलेगा तो इनकी रिपोर्ट हम जरूर दिखाने जाएंगे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर प्रजातांत्रिक काम करते हैं, नंबर वन और नंबर टू ये चुनी हुई सरकारें गिराते हैं प्रदेशों में, तो नाम उनने बताए नहीं। गोपाल जी से आप नाम पूछ लीजिए नंबर वन और नंबर टू कौन है, मुझे बता दीजिए, मैं इन दोनों नंबर वन और नंबर टू की रिपोर्ट लिखाऊंगा। कर्नाटक में पिछले करीब 3 हफ्ते से चल रहे नाटक का पटाक्षेप हो गया है। इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि भाजपा राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करे। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा बेंगलोर के कामराजपेट पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां वरिष्ठ संघ नेताओं का आशीर्वाद लेने आया हूं। दिल्ली से निर्देश मिलने का इंतजार है, जैसे ही निर्देश मिले हम राजभवन आएंगे। नई सरकार के गठन को लेकर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने आरएसएस के नेताओं से चर्चा की और उन्हें अपनी रणनीति से अवगत कराया। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी जदस कांग्रेस सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में समर्थन में 99 वोट और विरोध में 105 वोट पड़े। सदन में 21 विधायक गैर हाजिर रहे। विश्वास मत हारने के बाद मुख्यमंत्री कुमार
कुमारस्वामी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल वजूभाई वाला को सौंप दिया। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कर्नाटक के मसले पर पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, बैठक में शाह ने पार्टी नेताओं के साथ सलाह मशविरा किया कि कर्नाटक में HD कुमारस्वामी नीत गठबंधन सरकार गिराने के बाद BS येदुरप्पा मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की पसंद हो सकते हैं। येदुरप्पा को ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने राज्य में कांग्रेस जदस सरकार को सत्ता से हटाने के अभियान का नेतृत्व किया। कर्नाटक से आने वाले एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आखिर में सच्चाई की जीत हुई और कर्नाटक को लोकप्रिय भाजपा सरकार मिलेगी। सत्ता की भूखी कांग्रेस और जदस ने सभी अलोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता में बने रहने का अपना पूरा प्रयास किया। बेटी बचाओ अभियान के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को महफूज रखने के लिए राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है। हम मोहल्ला समितियों का गठन कर रहे हैं, पीड़ित बेटियों की मदद कर रहे हैं और समाज में जागरूकता लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं सदस्यता अभियान के प्रमुख शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन समय सीमा के पहले ही सदस्यता अभियान का लक्ष्य पार किया जा चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले को ही बेटी बचाओ अभियान का कार्यालय बना लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं चौहान ने पाकिस्तानी मौलवी के बयान पर आपत्ति जताई है। बेटियों के साथ दरिंदगी और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि केवल प्रशासन और सरकार नहीं, सरकार को अपने काम करने चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार वो नहीं होती, अनेकों मामले ऐसे हैं कि जिसमें कई महीनों तक चालान भी पेश नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं किया जाता। लेकिन ऐसी घटनाओं में पीड़ित परिवार को पूरा साथ देने, अपराधियों को सजा दिलाने और समाज भी इस मामले में जागरूक हो और संगठित हो, हमने अनेकों उपाय शुरू किए जिसमें मोहल्ला कमेटियों के गठन से लेकर सारे NGOs को जोड़ने तक का सम्मिलित है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजनीतिक आधार पर तेजी से लोग इस अभियान में जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाया, कहा हत्या तक के मामले में सरकार बचाने की खातिर आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने नीमच और रायसेन के साथ भोपाल की घटनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि इनमें से कोई भी घटना गौ रक्षा के नाम पर नहीं हुई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार केवल गौ रक्षकों को निशाना बना रही है। अवैध उत्खनन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हर जगह रेत के पहाड़ लगे हुए हैं, हमने रेत खनन के पंचायतों को दिए थे, लेकिन अब बाहर के गुंडे बदमाशों ने नर्मदा तट पर डेरा डाल दिया है और गुंडागर्दी करके रेत का खनन कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित कानून वर्ग विशेष को टारगेट करके बनाया जा रहा है। रेत माफिया के खिलाफ 11 अगस्त के बाद आंदोलन करने का शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। अभी पारा झाबुआ में जमीन विवाद में 1 सप्ताह में 2 बार गोलियां चली, सिंगरौली की घटना, सतना की घटना, और सरकार घटनाओं को भी अपने ढंग से रंग देती है। अब मॉब लिंचिंग की बात है अगर, तो मॉब लिंचिंग की घटना अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो एक नहीं, अनेकों घटनाएं हुई है जो गो सेवकों से या गाय से संबंधित नहीं है। नीमच में मोर चोरी के नाम पर, रायसेन में, भोपाल के बाणगंगा क्षेत्र में, देवास में बच्चा चोरी के नाम पर, अलग अलग नाम पर मॉब लिंचिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है। लेकिन कमलनाथ सरकार केवल गो रक्षकों को निशाना बना रही है। अवैध उत्खनन जिस ढंग से हो रहा है रेत का, आप पूरे नर्मदा तट रेत के पहाड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, हमने पंचायतों को दी थी, अब पंचायतों से वापस लेके दूसरी व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी लोग, और मुझे पता चला है बाहर से गुंडे और बदमाश आ गए, कई जगह नर्मदा तटों पर डेरा डाल दिया है,
वो दादागिरी और गुंडागर्दी कर रहे हैं और मसल पावर के आधार पर रेत निकाल रहे हैं। कहीं कोई कार्रवाई होती तो तहसीलदार जैसे लोग भी पीटे जाते हैं, जान बचा के भागना पड़ रहा है। सरकार का खुला संरक्षण रेत माफियों पे को है, अवैध उत्खनन करने वालों को है। 11 अगस्त के बाद मैं खुद इस मामले को लेकर निकलूंगा जमीन पे। सरकार चेत जाए और नदियों को तबाह करने का जो काम चल रहा है उसको तत्काल रोके। व्यापम की चिट्ठी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी कि मुझे एक विद्यार्थी की चिट्ठी मिली थी जिसमें उसने कहा था कि कुछ फर्जी छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद ही व्यापम मामले की जांच कराई गई थी। सरकार चला नहीं पा रहे और इसलिए बाकी व्यवस्था कुछ बन नहीं रही, अपराध रुक नहीं रहे, किसानों का कर्जा माफ हो नहीं रहा। अभी मैंने आज मांग की है कि कम से कम किसानों पर तो चर्चा कर लो, उस समय आश्वस्त किया था। और इसलिए ले देंगे ऐसे इशू उठाने की कोशिश करते हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि व्यापम के मामले की जानकारी एक विद्यार्थी ने दी थी कि कुछ फर्जी छात्र बैठ रहे हैं, और वो चिट्ठी के माध्यम से दी थी। उस पर से ही हमने एक्शन लेके और वहाँ इंदौर में छापामारी पुलिस ने की थी, उसी में से ये मामला उजागर हुआ। अब पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, अगर ये वक्त बदलाव का है तो मंदसौर का छोटा सा गांव दमदम आपके दम को चुनौती दे रहा है। यहां जरा सी बारिश लोगों में कपकपी ला देती है कि अगर नदी में पानी आ गया तो फिर गांव के लोगों का क्या होगा, फिर जुगाड़ करना पड़ेगी नदी पार जाने के लिए और फिर सिलसिला शुरू होता है जान जोखिम में डालने का। लेकिन मध्य प्रदेश के हुक्मरानों को इससे क्या, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो उनकी सरकार चलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के नए हुक्मरान कहते हैं 6 महीने बहुत नहीं होते, लेकिन सरकार 70 वर्ष कम भी नहीं होते सिर्फ एक पुल के लिए। कमलनाथ जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं और वक्त भी बदलाव का है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के बाजखेड़ी इलाके के छोटे से गांव दमदम के लोगों के सामने बहुत से मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन वे अब आपका दमखम देखना चाहते हैं सिर्फ एक पुल के लिए। पिछले 70 वर्षों से दमदम गांव के लोग एक पुल की मांग कर रहे हैं। चौमासे में यहाँ के लोग हर दिन मौत को चुनौती देते हैं नदी पार करने के लिए। बीते सालों में पुल की मांग करने वाले कई लोग स्वर्ग सिधार गए, लेकिन दमदम को कोई मुख्यमंत्री मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाया। दमदम गांव के लोग इलाके की सोमली नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसके लिए वो जुगाड़ का सहारा लेते हैं। जुगाड़ भी ऐसी कि जरा सी चूक हुई तो सीधे पानी में गिरने का खतरा। गांव वाले ऐसा मजबूरी में करते हैं, जुगाड़ से करता जंगलों बांध रखे थे। अच्छा, बहुत आपाधाती 100 लेके जाओ। अच्छा, 12 बोरी लावा ढांड डोर के, ढांडा डोर के चावल लेवा खेती करवा। अच्छा, 200-300। अच्छा, तो आप कोई जुगाड़ पे बैठने निकलते हो तो इसमें रिक्शा नहीं रहती? रिक्शा घनी रही, 100 की सब बात की। अच्छा, क्या हुआ, इसकी शिकायत करी थी किसको आपने? शिकायत नहीं दान कर दी, पर कोई सुनो ही नहीं कर रहा। अच्छा, नेता लोग जनप्रतिनिधि? हाँ, सब जनपद में नेता लोग। अच्छा, कलेक्टर? अच्छा, क्या क्या बोला? हो जाएगा दूसरे चुनाव के पास जो। अच्छा, चुनाव को चर्चा चल रही। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर किसानों के खेत नदी के उस पार है, वहां पैदल पहुंचने में तकरीबन 17 किलोमीटर चलना पड़ता है, जबकि नदी से खेत की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। मजबूरी में इस जुगाड़ के जरिए रोजाना सैकड़ों लोग नदी पार करते हैं। ये जुगाड़ की नाव सिर्फ नाम मात्र की नाव है, हकीकत में ड्रम के साथ लकड़ी के तख्ते जोड़कर ये जुगाड़ नुमा नाव तैयार की गई है, जिससे एक बार में 8 से 10 लोग नदी पार करते हैं। दोनों किनारों पर एक रस्सी बंधी है जिसके सहारे जुगाड़ को इस पार से उस पार ले जाते हैं। ग्रामीण और किसान अपने मवेशी और छोटे छोटे बच्चों को भी इसी के जरिए नदी पार कराते हैं, जहां हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। दमदम के लोगों ने मंदसौर से भोपाल तक लिखा पड़ी की। कई विधायकों ने इस समस्या को देखा और आश्वासनों की चाशनी टपका के चलते बने। नेता, पार्टी और सरकारें सब बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो दमदम गांव की ये दास्तान। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप दमदम वालों की समस्या अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी जुगाड़ की नाव भी आपकी सरकार की तरह है, इसे भी खींचता कोई और है और पार कोई और लगाता है।
और ये सब जोखिम से भरा भी है। क्या आपका दमखम दमदम की चुनौती स्वीकार कर पाएगा या फिर गांव वाले अपनी लिस्ट में एक मुख्यमंत्री का नाम और बढ़ा लें। महिलाओं के साथ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है और लोग बचाने के बजाय तमाशबीन बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक युवक अवैध संबंधों के शक के चलते महिला की पिटाई कर रहा था। घर हो या बाहर महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आती। नरसिंहपुर जिले के करेली में मानवता को ताक पर रखकर एक युवक ने महिला के अवैध संबंधों के शक के चलते सड़क पर सरेआम महिला की पिटाई लगा दी। महिला बचाने की गुहार लगाती रही, मत मारो कहती रही, मगर सब तमाशबीन बने रहे। वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन सब खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने महिला को बचाने की कोशिश भी नहीं की। यह पूरी घटना सीताराम माल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बीच एक युवक ने बचाने की कोशिश की तो युवक को समझाने की कोशिश की तो महिला की पिटाई लगा रहे युवक ने उल्टे उसके साथ गाली गलौज की। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो महिला को बचाकर युवक को थाने ले गई। मुझे वहाँ पर उसका ब्यूटी पार्लर है मॉल के बाजू वाले रास्ते में, और वो लेडीज का ब्यूटी पार्लर चलाती है। वो जो पीट रहा था उसके बाद में पता चली उसका व्यक्ति है, उसी का पति है, और उसी रास्ते से अपन आ रहे थे। तो जब ये बुरी तरह से उसको पीट रहा था, पहले तो उस लड़की को पैर लात मारी तो सिर के भर वो गिरी। फिर अपन वहाँ से निकले तो अपन उसको रोका। भाई वहाँ पे कम से कम 25 व्यक्ति थे, लेकिन कोई उसको रोक भी नहीं रहा था। अपन जैसे ही निकले तो अपन ने उसको रोका भी, उसको मना भी किया कि भाई ये जो है ना ऐसा गलत काम मत करो। वो बोले मेरी महिला है तुमको क्या मतलब है। मैंने भाई महिला है तो घर में जाके कोई काम करो, रोड पर तो महिला है तो मार नहीं सकते आप। इसके लिए पुलिस है, कलेक्टर है, IGD जिनके पास पहुँच जाएगी, अभी आप अंदर हो जाओगे, जेल चल जाओगे। नहीं माना, वो उल्टा हमको गाली देने को तैयार। हमने घर पुलिस को फोन लगाया। इनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि सीताराम मॉल के पास इनके पति ने इनके साथ मारपीट की है, और उनकी जो बाइक थी, गाड़ी थी, स्कूटी और मोबाइल फ़ोन वो साथ में लेके चले गए हैं। उनसे पूछा गया कि कारण क्या था इस लड़ाई झगड़े का, विवाद। उन्होंने विवाद का कारण बताया कि वो उनके चरित्र पर संदेह करता है, इस बात को लेकर ये सब घटना घटित हुई थी। तो पुलिस के द्वारा उनसे कहा गया कि हम अपराध पंजीबद्ध कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे दो छोटे बच्चे हैं और हमारा मामला परिवार परामर्श केंद्र में चले, जिससे कि हमारा घर बसा रहे, घर टूटे ना। तो पुलिस ने उसमें रिपोर्ट डाल दी थी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसान ऋण माफी को लेकर कहा कि कांग्रेस ने ऋण माफी के जो वचन दिए हैं उनको निभाया जा रहा है। किसानों ने ऋण माफी के बाद किसानों की आत्महत्या में काफी कमी आई है। पिछले 7 महीने में MP में 79 किसानों ने आत्महत्या की है। प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि किसानों के ऋण माफ किए जा रहे हैं, कांग्रेस अपने ऋण माफी वाले वचन पर कायम है। विपक्ष के आरोप को सचिन ने गलत बताते हुए कहा कि किसान ऋण की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहे। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा है और बैंक के द्वारा किसानों से ऋण को लेकर अभद्रता की जाती है, किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है। अब तक 79 किसानों ने आत्महत्या की है, जो कि प्रदेश सरकार की नाकामयाबी का सबूत है। किसानों ने आत्महत्या की 7 का नंबर और बढ़ गया है, मतलब 79 हो गए।
79 किसानों ने पिछले 6 महीने में सुसाइड की है। ये सरकार के ऊपर कलंक है। और अभी अभी 139 में चर्चा होगी जो हमारी किसानों को कर्ज माफी के ऊपर, इसमें हम पूरा डिटेल देंगे। कृषि मंत्री सचिन यादव ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ऋण माफी के बाद किसान आत्महत्या में काफी कमी आई है। किसानों की आत्महत्या दुखदाई है इसीलिए, लेकिन जानकारी के मुताबिक एक भी किसान ने आत्महत्या ऋण न माफ होने की वजह से नहीं की है। सचिन ने कहा कि बीजेपी किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते आई है। बीजेपी कार्यकाल में 23,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे साथ इस वक्त कृषि मंत्री सचिन यादव जी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं, आत्महत्या मध्य प्रदेश में आत्महत्या 72 के पार हो गई है, सर क्या कारण है आत्महत्या बढ़ रही किसानों की? देखिए, जिस तरह से विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, तो पहले तो विपक्ष को ये जवाब देना चाहिए कि उनने 15 साल कार्यकाल किया, किसानों के नाम पर उन्होंने खूब राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और उनके कार्यकाल में 23,000 किसानों ने आत्महत्या करी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1500 किसान प्रतिवर्ष जो है आत्महत्या करते हैं। मैं ये बड़े भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम आदमी हो, तो इस सरकार को, हमारी सरकार को उसका कष्ट होता है, उसका दुख होता है। और हमारे 7 महीने की जो हमारी सरकार का कार्यकाल है और इस कार्यकाल में हमारी जो ऋण माफ़ी की योजना और अनेक किसान हितैषी निर्णय और फैसले हमने लिए हैं, उसमें लगभग 90% की जो है गिरावट आई है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी संज्ञान में एक भी ऐसा किसान साथी नहीं है जिसने जो है ऋण के कारण जो है जिसको आत्महत्या करने का काम करना पड़ा। विपक्ष ने कहा किस ऋण माफी के बाद लोगों को ऋण नहीं मिल रहा, किसानों को ऋण नहीं मिल रहा, जो बैंक हैं वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं किसानों से। देखिए, बीजेपी ने अपने शासनकाल में, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर वो एक भी किसान का नाम बता दे जिसके 15 साल में उन्होंने ऋण माफ़ करने का काम किया। हमारी सरकार ने 20 लाख किसानों का ऋण माफ़ करने का काम किया, 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वो तमाम किसान साथी जो उनको नए ऋण की भी नया ऋण भी उपलब्ध हो, उनको खाद भी उपलब्ध हो, उनको बीज भी उपलब्ध हो, इसके तमाम व्यवस्थाएँ, तमाम निर्देश आदेश जो है जमीनी स्तर पे हमने हमारे किसान साथियों को देने, हमारे सहकारिता विभाग को और हमारे सभी अधिकारियों को देने का काम किया है और लगातार जो है सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं विभाग के द्वारा की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सचिन यादव, जिनका बोलना है कि किसानों के साथ है सरकार, सरकार हर प्रकार के किसानों के ऋण माफ़ करने को पहले से भी माफ़ करती आई है, अभी भी माफ़ करती रहेगी। हालांकि अभी तक कुछ किसानों के बढ़ते आत्महत्या को लेकर विपक्ष ने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़, भोपाल। अशोकनगर में पोस्टमार्टम के लिए एक महिला के शव को कचरा गाड़ी में ले जाया गया, इसे देखकर हर किसी का मन आक्रोश से भर गया। इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ऐसा करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पठार मोहल्ला निवासी एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाने को शव वहां नहीं मिला तो परिजन ट्रैक्टर ट्रॉली में शव लेकर आने लगे, लेकिन रास्ते में ही ट्रॉली का पहिया निकल गया। ऐसे में जब दूसरा कोई वाहन नहीं मिला तो नगर पालिका के कचरा वाहन में शव को अस्पताल लाया गया। इस घटना पर सीएम कमलनाथ ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। पठार मोहल्ला निवासी ओझा का विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था। उक्त महिला को 3 माह का गर्भ था। महिला के पति नरेंद्र ओझा ने बताया कि उसकी जांच कराने के लिए वह अपनी बहन के साथ डॉक्टरों के पास गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच कर गर्भ में पल रहे 3 माह के बच्चे को मृत बता दिया। इसके बाद पत्नी ने मुझसे कहा कि हम गुना में जाकर डॉक्टर से जाँच कराएंगे। इसके बाद हम घर चले आए। रात जब मेरी नींद खुली तो पूजा साड़ी के फंदे पर लटकी हुई थी, जिसकी सूचना मैंने परिजनों को और पुलिस को दी। महिला के शव का पंचनामा बनाने के बाद जब महिला के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कक्ष तक लाने के लिए शव वाहन की सुविधा नहीं मिली, तब नगर पालिका की कचरा ले जाने वाली ट्रॉली में शव को रखकर जिला अस्पताल लेकर निकले, लेकिन जब ट्रॉली ब्रिज से गुजर रही थी तभी उसका एक पहिया निकल गया। इसके बाद महिला के शव को दूसरे कचरा वाहन में रखा गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बिल्डर के खिलाफ रहवासियों ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा निर्माण की आड़ में निर्माणाधीन भवन के आसपास के रहने वाले लोगों को मकान खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बिल्डर के गुंडे रहवासियों को मकान खाली करने के लिए धमकी देते हैं।
आधारताल क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल निर्माण के विरोध में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने आधारताल थाना के सामने प्रदर्शन किया और धरना दिया। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि एक स्थानीय बिल्डर के द्वारा रिहायशी इलाके में धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माणाधीन भवन के आसपास रहने वाले लोगों के मकान खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बिल्डर के गुंडे रात में आकर स्थानीय लोगों को धमकी देते हैं, जिससे क्षेत्रवासी दहशत में जी रहे हैं। बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान होकर अब वे पुलिस की शरण में आए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। काफी देर तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, तब नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया। अभी आधारताल में नेता कॉलोनी के कुछ लोग गए थे, उनका ये विरोध है कि वहाँ पे कोई निर्माण कार्य वहाँ आसपास कहीं हो रहा है, उसको लेकर के उनको विरोध है। तो उसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा हम परीक्षण करा ले रहे हैं और जो भी होगा, जो वैधानिक होगा, उसमें वही कार्रवाई होगी। प्रदेश में तेजी से फैल रही बच्चा चोरी गिरोह की अफवाह का खौफ अब शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है। बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से ग्रामीण अंचलों में दहशत का माहौल है। गांव में लोग टोली बनाकर रात में पहरेदारी कर रहे हैं, वहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जरा सा शक होते ही बगैर सोचे समझे लोग हमला कर देते हैं। अब गाँव में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले भिखारी अनजान लोगों की शामत सी आ गई है। लोग गाँव में जाने से डर रहे हैं। मॉब लिंचिंग का भूत अब छोटे शहरों की ओर रुख कर रहा है। गाडरवारा और आसपास के क्षेत्रों में बच्चा चुराने की घटना की अफवाह से लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में हुई दो बच्चा चोरी की अफवाहों ने इलाके में सनसनी मचा रखी है। अफवाह से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा अनजान लोगों पर हमला और हंगामा किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और पुलिस ने अभी सभी प्रकार की अफवाहों पर विराम लगाने की अपील भी की है। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। दहशत इतनी है कि गांव में बच्चों को घर से अकेले निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये जो अफवाहें हो रही हैं, सहायिका बुलाने जाती हैं तो उनके माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों को पकड़ती हैं तो आंगनबाड़ी नहीं भी जाते हैं, इसी के कारण बच्चे नहीं आते आंगनबाड़ी में। माता पिता बोलते हैं कि बाबा लोग घूम रहे हैं गाँव में, हम नहीं भेजाते बच्चों को आंगनबाड़ी। सर जो अभी अफवाह फैल रही है पूरे अपने साईगढ़ ब्लॉक और नरसिंहपुर में जहाँ भी, तो मैं दो दिन से बच्चों के लिए लेने जा रहा हूँ, तो पालक लोग बोल रहे हैं कि बच्चे की गारंटी लो सर, तो मैंने बोला मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको घर से घर लेने जाऊँगा और घर छोड़ने आऊँगा। इसके बाद ही पालक बच्चों को बिल्कुल नहीं भेज रहा है, बोलते फलाने गाँव में ये घटना हो गई, इस गाँव में ये घटना हो गई, ये सर के हमारे एक एक मोड़ा है, हम बच्चे नहीं भेजे हैं। गाडरवारा के आसपास के बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते कई लोग दहशत में अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे। स्कूली शिक्षकों का कहना है कि माता पिता दहशत में हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। घर घर जाकर शिक्षकों को बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करनी पड़ रही है। स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शिक्षकों की समझाइश के बाद भी इक्का दुक्का बच्चे ही स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ऐसी ही अफवाह के चलते बीते दिनों गाडरवारा के साईखेड़ा और नादनेर में लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों को बच्चा चोरी के शक में जमकर पीटा। गनीमत रही कि पुलिस को फोन लगा दिया और उसकी जान बच गई। जहां बच्चा चोरी की अफवाह फैलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं प्रशासन ने ऐसी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है। तो वो अफवाह फैली है कि बच्चों को पकड़ने वाले आए हैं, इसलिए उनके माँ बाप भेज नहीं रहे हैं बच्चों को। आते भी हैं तो स्कूल में बोल के जाते हैं कहीं जाए ना हमारे बच्चे, इस कारण से बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती जा रही। सर वो जो अफवाह चल रही है बच्चों को पकड़ने वाली और मोबाइल पे जो वीडियो डले हुए हैं, लोग देख के उससे भयभीत हो गए हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। अभी मैं घर घर गया था, तब मुश्किल से 10 बच्चे अपनी रिस्क पे लेके आया हूँ। मेरे यहाँ 29 दर संख्या है जिसमें 10 बच्चे उपस्थित हुए हैं अभी, और ऐसे पर डे लगभग 20-25 से ऊपर आते थे, पर जब से ये अफवाह फैली है उस दिन से बच्चे बहुत कम आ रहे हैं।
गाडरवारा SDOP सीताराम यादव ने बताया कि उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर तुरंत विश्वास न करें। यदि कहीं ऐसी घटना या अफवाह फैलने की खबर मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस को संपर्क करें। गाडरवारा के आसपास जो भी बच्चा चोरी की अफवाह फैली है उसके संबंध में थाना प्रभारी स्तर पर जाँच की गई और ये केवल अफवाह ही निकली। सभी लोगों से अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दे, स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। SDOP ने अपना फोन नंबर जारी करते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई घटना या अफवाह फैलाई जाती है तो सीधे मुझसे संपर्क करें। सही इलाज आप पुलिस से कंफर्म करिए। पुलिस के नंबर आपको दिए गए हैं, 100 डायल का नंबर आपको दिया गया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो आप 100 डायल को कॉल करिए और उसको बुलाइए और अफवाह की तस्दीक कराइए। जो 2-3 मामले हुए हैं उसमें थाना प्रभारी स्तर पर बारीकी से जांच की गई है और जो रिजल्ट है वो केवल अफवाह ही निकली है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर गौर करके उसको कंफर्म करें और कंफर्म करने का एकमात्र साधन है आप पुलिस से, थाना प्रभारी से, मेरे से, मेरे जो नंबर सभी गांव में लिखाए गए हैं उनसे संपर्क करें। व्यापारी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके लूट करने वाले अज्ञात हमलावर भाग गए और उन्हें अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों ने आक्रोश है। व्यापारियों ने पुलिस के सुस्त रवैये के खिलाफ और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए SP कार्यालय का घेराव किया है। जयंती टॉकीज स्थित मोबाइल दुकान संचालक एवं माता वैष्णो सेवा समिति के प्रमुख सदस्य संजय मंगतानी के ऊपर अज्ञात आधा दर्जन से अधिक गुंडों ने तैयब अली पेट्रोल पंप के पास चाकुओं से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में घायल व्यापारी संजय को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तार के लिए आज व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया और उनका कहना था कि व्यापारियों पर जानलेवा हमला किया गया, परंतु पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और अभी तक हमलावर फरार है। आरोपियों पर 307 एवं लूट की धाराएं लगाई जाएं, अन्यथा व्यापारी समाज तीव्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। आज से 3 दिन पूर्व रात्रि 11 बजे हमारे एक व्यापारी हैं जो कि माता वैष्णो सेवा समिति के प्रमुख सदस्य भी हैं, वो अपने प्रतिष्ठान बढ़ा के रात्रि 11 बजे अपने निवास स्थान को जा रहे थे। निवास स्थान के बीच में तैयब अली पेट्रोल पंप क्राइस्ट चर्च के पास स्कूल के पास अज्ञात हमलावर जो कि करीब 3 गाड़ियों में 8-9 हमलावर थे, उन्होंने उनको गाड़ी से गिराकर धनादिन उनके ऊपर वार किया, कातिलाना हमला किया, चाकुओं से गोद दिया। यही उसी आज तक 3 दिन के बाद आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। CCTV कैमरे देखे गए हैं, उसके बाद भी कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो हम उसी मांग को लेकर आज हमारा सिंधी समाज और समस्त व्यापारी संघ यहां पर उस मांग को लेकर SP साहब से मिलने आए हैं। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध है, अभी ज्ञापन दिया है उन्होंने, मैं उसका देख रहा हूँ क्या उसमें कार्रवाई हुई है, संबंधित अधिकारी से बात करके और उसमें क्या विधि संगत निराकरण हो सकता है उसका। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने बोला है, मैं संबंधित को बता रहा हूँ कि आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र हो और वीडियो फुटेज कुछ आए हैं उनको भी देखने के लिए उन्होंने बताया है, उस पर भी कार्रवाई करवाई जा रही है। मूर्धन्य कवि नारायण श्याम के जन्म दिवस के अवसर पर कविताओं को समर्पित विशेष कार्यक्रम रागिन साणू हिरान का आयोजन किया गया, जहां एक अलग ही अंदाज में कविताओं को प्रस्तुत किया गया। भोपाल की प्रमुख साहित्यिक संस्था सिंधु ने मूर्धन्य कवि नारायण श्याम के 98वें जन्मदिवस के अवसर पर रागिन साणू रिहान का आयोजन संत हिरदाराम नगर भोपाल में किया। इस कार्यक्रम में गीत संगीत, कवि सम्मेलन और कविताओं की अभिनात्मक अभिव्यक्ति के मिश्रित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर मोती प्रकाश की आवाज में रिकॉर्ड की हुई कवि नारायण श्याम की कविताओं के भावों को युवा मंच अभिनेता तन्मय वासवानी ने अपने अभिनय से संजीव कर दिया। कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध मंच संचालक विजय मनवानी और शोभा लेखवानी ने किया। Oh,
सिंधी के मूल धन्य शायर नारायण श्याम की 98 पुण्यतिथि जयंती है, उनके उपलक्ष्य में हमने ये संगीत और शेर उचारी का कार्यक्रम रखा है और उनके जीवन पर एक नृत्य नाटिका। कार्यक्रम के मंच को साझा करते हुए केंद्रीय साहित्य अकादमी ने कवि संधि का आयोजन किया, जिसमें इंदौर की कवित्री डॉक्टर नादिया मसंद ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर सुनीता लूला के नवीन काव्य संग्रह डाको डाको मन का विमोचन भी डॉक्टर नादिया मसंद द्वारा किया गया। बिल्डिंग जर्जर हो या अवैध निर्माण हो, नगर निगम की कार्रवाई दिन पर दिन सख्त होती जा रही है। शहर के सभी अवैध निर्माण एक एक कर तोड़े जा रहे हैं। इसी कार्रवाई की मुहिम ने शहर के दो निर्माणाधीन अवैध हॉस्टल गिरा दिए हैं। इंदौर नगर निगम ने शहर में अवैध इमारतों पर कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने सर्वानंद नगर में दो निर्माणाधीन अवैध हॉस्टल को हटाने की कार्रवाई की। पिछले दिनों निगमायुक्त आशीष सिंह ने अवैध हॉस्टलर को हटाने के निर्देश दिए थे। कार्रवाई से पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और फिर निगम की जेसीबी ने इमारत की दीवारों को तोड़ दिया। सर्वानंद नगर में 37D प्लॉट पर दीपक जगवानी और 4C पर आशा भाटिया ने अवैध रूप से इमारत बना ली थी। निगम ने पहले इन्हें 18 जुलाई को तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन कार्रवाई टल गई थी। इसके अलावा निगम ने 20 जुलाई को ब्रह्मपुरी में श्याम खत्री के अवैध निर्माणाधीन हॉस्टल को भी तोड़ने की योजना बनाई थी। सर्वानंद नगर और विष्णुपुरी में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर हॉस्टल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण हो रहा है। निगम ने पूर्व में यहाँ के 7 निर्माणाधीन भवनों को मालिकों को नोटिस भेज दिया था। वहीं इस क्षेत्र में 22 अवैध निर्माणाधीन भवन चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किया गया। इस तरह निगम इस क्षेत्र में 29 अवैध भवनों पर कार्रवाई करेगी। बड़वानी जिले के सेंधवा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली गई। इस शव यात्रा में सब कुछ शव यात्रा जैसा था, सिर्फ शव की जगह जिंदा व्यक्ति लेटा था। मानसून कमजोर पड़ने के चलते मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 2 हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका असर ज्यादा है। बारिश नहीं होने की वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। ऐसे में रूठे इंद्र देवता को मनाने के लिए जहां लोग हवन कर रहे हैं, तो वहीं अजीबोगरीब टोटकों का सहारा भी लिया जा रहा है। सेंधवा में रिक्शा यूनियन के बारिश के लिए अनूठा टोटका किया गया। लोगों ने एक जिंदा शख्स की शव यात्रा निकाली। पानी भी बना दिया। अच्छा, आप खुद मूर्ति बने हो? ये शव यात्रा इसलिए भी खास थी क्योंकि पूरे गाजे बाजे के साथ लोग इसमें शामिल हुए। जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। शहर में जहां से भी ये शव यात्रा निकली, लोग उसे देखने के लिए खड़े हो गए। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए ये शव यात्रा मुक्ति धाम पहुंची। इस इलाके में मान्यता है कि पानी के अभाव में जब जीवित मृत समान हो जाए तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश कर देते हैं। बारिश न होने से परेशान लोगों के टोटके की एक तस्वीर आपने देखी। अब देखिए एक और तस्वीर जहां बारिश की कामना करते हुए एक दूल्हे को गधे पर उल्टा बैठा दिया गया। लोगों को उम्मीद है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होगी। ये नजारा रायपुरिया का है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक बारिश के लिए टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों ने पहले एक लड़के को दूल्हा बनाया, फिर दूल्हा बने युवक को गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में घुमाया और नाचते गाते हुए उसकी बारात निकाली। इससे पहले अच्छी बारिश की कामना करते हुए बड़ी पूजा रखी गई। इसके लिए एक दिन पहले ही गाँव में डोंडी पिटवाई गई। इसके बाद सभी पर पवित्र जल छिड़का गया और ढोल बाजों के साथ गांव के मंदिरों में धूप अगरबत्ती कर नारियल तेल व सिंदूर चढ़ाया गया। आदिवासी इलाकों में मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान इंद्र खुश होकर बारिश करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन टू 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, स्टूडेंट गेट्स एवरीथिंग एट LNCT यूनिवर्सिटी। इसीलिए LNCT यूनिवर्सिटी है मोस्ट ट्रस्टेड नेम अमंग स्टूडेंट्स। एडमिशंस ओपन फॉर UG एंड PG। चूज द बेस्ट टू बी द बेस्ट। LNCT यूनिवर्सिटी। लॉग ऑन टू lnctu.ac.in।